इसे कान्हा का मॉडर्न अवतार देख लीजिए। लड़की ब्यूटीफुल पर ठुमक ठुमक कर नाच रहे हैं कान्हा, और साथ में एक नन्ही सी लड़की भी है। अब ये राधा के अलावा हो भी कौन सकती है जिनकी अभी अभी एंट्री हुई है। पहली बार इन दोनों की मुलाकात क्या हुई, दोनों की धमाल मस्ती भी शुरू हो गई। वैसे हम राधा के बारे में कुछ और बताएं, इससे पहले आप ही देख लीजिए इस नन्ही सी राधा के तेवर कम नहीं, बड़े गुस्सैल और नखरे वाली है। तभी तो अपने जन्मदिन पर शर्त रख दी है कि जब तक कान्हा से नहीं मिलूंगी अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। नहीं, नहीं, नहीं। हम राधा है। ये सभी उपहार को हमें प्रत्येक वर्ष मिलते हैं, पर इस बार हम तब तक अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे जब तक हमें हमारे मन का मनचाहा उपहार नहीं मिल जाता। हाथ की घड़ी कर ऐसे गुस्से में चेहरा बना रही है जिस पर किसी को भी प्यार आ जाए। यही तो मैं कह रही हूँ घटी लमोसी, किंतु राधा कह रहे हैं और समझ कोई नहीं रहा। लेकिन क्या आपको पता है कि ये राधा और कृष्णा आज पहली बार नहीं मिले, इनकी मुलाकात तो पहले ही एक रियलिटी शो में हो चुकी है। ये मुझसे पहले भी मिल चुकी है। क्या? और ये भी मुझसे पहले मिल चुका है। अच्छा, कहाँ पे? सबसे बड़ा कलाकार। अब पुरानी पहचान है तो दोनों के बीच बातें भी खूब होती हैं। कभी कभी अपना शूटिंग करना होता है तो शूट नहीं करता है, मेरे साथ खेलने में लगा रहता है। ऐसा तो नहीं करता भाई। तो क्या करता है फिर? यशोमती मैया पुकारे तुझे तेरा कन्हैया, लल्ला मेरा प्यारा लल्ला मेरा, सुनने को तरस रहा हूँ मैं। तितली रानी कहो कहाँ से आई हो, रंग बिरंगे इतने सुंदर पंख कहाँ से लाई हो, फूल फूल पर तुम मटराती चन चन पंख हिलाती हो। अभी हम राधा से बातें कर ही रहे थे कि उनका बुलावा आ गया शूटिंग के लिए, और कान्हा ने भी राधा को कर दी बाय बाय। बाय राधा, बाय राधा। मुंबई से राज दीक्षित के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जय श्री कृष्णा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।